जर्म लेयर के बेस पर एनिमल्स के दो टाइप्स होते हैं. एक होते हैं डिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स, दूसरा होते हैं ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स. ट्रिप्लो ब्लास्टिक एनिमल्स, ठीक. आपके स्टूडा क्या होते हैं, जैसे स्पर्म ओमफ्यूज से होके क्या बनते हैं, जाइगोट, ठीक है. जाइगोट से क्या बनते हैं, बॉल ऑफ सेल बनते हैं, ब्लास्टुला. ब्लास्टुला के बाद क्या बनते हैं, गैस्ट्रुला बनते हैं. फिर गैस्ट्रुला से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ठीक. इस तरह से ये लेयर यानी गैस्ट्रुला लेवल ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है, ठीक. अब इसके लेयर के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, एक है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यानी वो एनिमल्स है जिनमें दो लेयर होते हैं, जिनमें जर्म लेयर में, जिनके जर्म लेयर्स में दो लेयर्स होते हैं. एक होते हैं एक्टोडर्म, ठीक. दूसरा होते हैं एंडोडर्म. अब इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सेल बनाएंगे. एक टुकड़ा मसल, ये और ये लेयर, इन दोनों के बीच में ये लेयर मसल, एक लेयर, लेयर ऑफ सेल, ठीक है. सबसे बाहर वाला लेयर जिसको हम एक टुकड़ा कहेंगे, सेल का लेयर, इस तरह से आप बना सकते हो. फिर उसके बाद ये वाला, यहाँ पर भी सेल के कुछ लेयर्स होते हैं, ठीक है. अब देखो इसमें दो लेयर है, एक है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म मीन्स आउटर लेयर. एक ही ये वाला एंडोडर्म. अब जो ये जो वाइड वाला पोर्शन होते हैं, वो होते हैं मीजोग्लिया, मीजो MESOGLIA, मीजोग्लिया. यानी इसमें सेल का लेयर नहीं होते हैं, बल्कि एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होगा, इसको हम लेयर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है. तो डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स होते हैं, यानी एक एक्टोडर्म, दूसरा है एंडोडर्म, ठीक. हर वो एनिमल्स जिसके जर्म लेयर पर, गैस्ट्रुला लेयर पर, गैस्ट्रुला लेवल पर दो लेयर अगर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. फॉर एग्जांपल हम इसमें लेंगे स्पॉन्जेस. अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई, ट्राई मीन्स तीन. इसमें क्या होते हैं, तीन लेयर बने होंगे, ठीक. मसलन इन दोनों के बीच में एक लेयर, ठीक. इसमें एक लेयर, इसमें एक लेयर. जैसे फॉर एग्जांपल ये है सबसे आउटर वाला लेयर, ठीक है, लेयर ऑफ सेल. सबसे आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. फिर इसके बाद ये वाला रेड वाला है सबसे इंटरनल लेयर, ठीक है, एंडोडर्म. और इसमें और एक लेयर ऑफ सेल होते हैं, ठीक है. यानी ओवरऑल थ्री लेयर्स होते हैं. सबसे बाहर वाले को हम कहेंगे एक्टोडर्म, फिर मिडिल पार्ट को हम कहेंगे मीजोडर्म यानी मिडिल लेयर, सबसे इंटरनल पार्ट को हम कहेंगे एंडोडर्म, सबसे इनर लेयर. हर वो एनिमल्स जिसमें तीन लेयर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या लेंगे, फ्लैट वॉर्म, ठीक. थैंक यू सो मच.